आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 25 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद अब बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 13,58,399 जा पहुंचा है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 4,05,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 4,60,604 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 8,65,744 है एवं इस बीमारी के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या 31,631 हो गई है। अब तक देश में कुल 1,58,49,068 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 26,000 पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 10,313 ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 26,210 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 7,553, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 17,866 और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी तादाद 791 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 400 से ज़्यादा है उनमें वर्तमान में इंदौर के 6,556 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,705 है और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या 302 हो गई है। भोपाल में 4,977 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,481 है और इस बीमारी के कारण मृतकों की संख्या 150 है। ग्वालियर में 1,921 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 743 और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या 10 है। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,459 है, जबकि सक्रिय मरीजों की तादाद 283 है और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी तादाद 9 है। उज्जैन में कुल 1,080 मामलों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 186 है और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या 71 है। जबलपुर में कुल 912 संक्रमित मरीजों में से 307 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 23 लोग काल कल्पित हो चुके हैं। खरगोन में कुल मरीजों की तादाद 595 और एक्टिव मरीजों की तादाद 149 है और इस बीमारी से मृत्यु का आंकड़ा 17 हो गया है। सागर में कुल 590 मामलों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 117 और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या 31 है। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 586 जबकि एक्टिव मरीजों की तादाद 82 है और यहां मृत्यु का आंकड़ा 9 है। खंडवा जिले में 553 कुल सक्रिय मरीजों में से एक्टिव मरीज 89 हैं, जबकि यहाँ कोरोना बीमारी की वजह से मृतकों की संख्या 19 हो गई है। बुरहानपुर में कुल 453 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 16 है व जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या 23 है। भिंड में 425 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 40 है एवं एक मरीज की मृत्यु हुई है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कहा है कि उनसे हाल ही में संपर्क में आए लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट करवा लेना चाहिए। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना पॉजिटिव लोगों का अच्छा उपचार प्रत्येक जगह हो रहा है और अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। पूरी सावधानियों का पालन करते हुए थोड़े से भी लक्षण दिखाई देने पर टेस्ट करवाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार क्वारंटाइन रहूंगा और इलाज कराऊंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरे द्वारा मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते ही प्रतिदिन कोरोना की समीक्षा बैठक ली जाती रही है। मैं यथासंभव अब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। मेरी अनुपस्थिति में यह बैठक गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि सावधानी रखें, जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण दे सकती है। आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें और गाइडलाइन का पालन जरूर करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान कोविड डेडिकेटेड अस्पताल चिरायू मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती हुए हैं। भोपाल स्थित एम्स और हमीदिया अस्पताल में भी अन्य रोगों के मरीज भी दाखिल होते हैं। आम जन को कठिनाई ना हो इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री चौहान चिरायू मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं। देश के युवाओं, विद्यार्थियों एवं बच्चों में स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता लाने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयीन एवं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए फोटो क्विज एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता होगी। इसी प्रकार दो अन्य श्रेणी कविता लेखन और देशभक्तिपूर्ण रचना की संगीतमय प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि mp.mygov.in पर 10 अगस्त तक भेजी जा सकेंगी। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतियोगिताओं में 48 विजेताओं को 1,79,000 के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। चित्र पहचानों प्रतियोगिता में क्रमशः 5,000, 3,000 और 1,000 के एक एक और 5 पुरस्कार 500 रुपये के दिए जाएंगे। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए 8 और विद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए 8, कुल 16 पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वाधीनता पर केंद्रित प्रेरक स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में भी क्रमशः 5,000, 3,000 और 1,000 के एक एक और 500-500 रुपए के 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। महाविद्यालय और स्कूली छात्र छात्राओं के लिए 8-8 पुरस्कार होंगे। इसी क्रम में देशभक्तिपूर्ण कविता लेखन प्रतियोगिता विजेताओं को क्रमशः 10,000, 5,000 और 3,000 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार एवं 1,000 के 5 पुरस्कार प्रमाण पत्र के साथ दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 1 जनवरी 2020 की स्थिति में 35 वर्ष तक की आयु के निवासी भाग ले सकते हैं। एकल एवं समूह स्वर में 1947 से पूर्व की देशभक्तिपूर्ण रचना एवं स्वयं की मौलिक रचना की एकल या समूह स्वर में संगीतमय प्रस्तुति के लिए क्रमशः 50,000, 25,000 और 10,000 के एक एक और 5 पुरस्कार 5,000 रुपये के दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण का खतरा प्रदेश की जेल में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज जेल मुख्यालय ने आदेश जारी करके जेलों में होने वाली मुलाकातों पर रोक को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। यानी कि अब जेल में बंद परिजनों को अपनों से मिलने के लिए अगले महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा। इस बार राखी पर भी संक्रमण का खौफ दिख रहा है। जेल प्रशासन के नए आदेश के बाद लग रहा है कि राखी पर बंदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनें और परिवार के लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। जेल अधिकारियों की माने तो राखी पर जिस तरह बंदियों के परिजन की भीड़ लगती है उसमें कोरोना संक्रमण फैलने का डर रहता है। राखी बांधते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है। त्यौहार पर जेल में आने वाली भीड़ कि एक साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी संभव नहीं है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग से बचने के लिए बुखार की गोलियों का सहारा भी लिया जाता है। अगर कोई कोरोना संक्रमित दवाओं के सहारे बुखार को छुपाकर मुलाकात में आता है तो उसके जरिए कोरोना का फैलना तय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कई सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के दिखाई दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा शनिवार को बड़ौनी में 3,66,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले दतिया मेडिकल कॉलेज के छात्रावास भवन के भूमि पूजन और अनुग्रह राशि वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने छात्रावास भवन की आधारशिला रखी और इस दौरान वो बिना मास्क के दिखाई दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को भोपाल केंद्रीय जेल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जेल का निरीक्षण करने के दौरान गृह मंत्री मास्क से परहेज करते हुए नजर आए और उन्होंने कैदियों के भीड़ के बीच भी मास्क नहीं लगाया था। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया है।
कांग्रेस विधायकों के लगातार इस्तीफों पर बोलते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि बिके हुए नेताओं को जनता पहले बातों से समझाएगी, वे फिर भी नहीं मानने तो जनता लातों से भी समझाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि बिके हुए जो विधायक कार्यकर्ताओं की बातों से नहीं माने उन्हें कहावत के मुताबिक लातों से समझाना चाहिए। जीतू पटवारी इंदौर में ठेले पर अंडे की दुकान लगाने वाले बच्चे से मिलने पहुंचे थे। राजधानी में 10 दिनी लॉकडाउन लागू होने से पहले पुराने शहर के बाजारों के साथ न्यू मार्केट, एमपी नगर, कोलार, बैरागढ़, बिट्टन मार्केट में भीड़ उमड़ पड़ी। किराना, राखी, कपड़ों से लेकर जरूरत का हर सामान लेने के लिए लोग यहां पहुंचे। राजधानी के थोक किराना बाजार में तेल, आटा, शक्कर, चावल, दालें, मसाले समेत रोजमर्रा की वस्तुओं की बिक्री आम दिनों की तुलना में दोगुनी रही। अमूमन यहां से प्रतिदिन शहर व 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जिलों में 550 टन से अधिक किराना सामग्री की सप्लाई होती थी, पर शुक्रवार को 1000 टन से अधिक सामग्री की सप्लाई हुई। उधर व्यापारियों ने भी बाजारों में उमड़ी भीड़ का फायदा उठाया। राखी से लेकर फल सब्जी तक सब महंगे दामों पर बिके। इस दौरान शहर भर में जो भी फल सब्जियां बिकी उसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ी। 25 से 30 रुपए किलो बिकने वाला आलू 40 रुपए, भिंडी 40 रुपए, गिलकी 40 रुपए, टमाटर 70 से 80 रुपए और प्याज 30 से 40 रुपए में बिकी। ईद व रक्षाबंधन पर्व लॉकडाउन में ही मनेंगे, इसलिए शुक्रवार को त्योहारी खरीद भी जमकर हुई। शॉपिंग मॉल पर सुबह 7 बजे से ही लोग खरीदारी करने पहुंच गए थे, तो कई बाजारों में तो इतनी भीड़ थी कि दोपहिया वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। प्रत्येक व्यक्ति लॉकडाउन देखते हुए जरूरत का सामान खरीदने में लगा था। इसके अलावा सराफा बाजार में चांदी की राखियां भी खूब बिकी। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी शारीरिक दूरी व मास्क के नियम को व्यापारी व ग्राहक दोनों ही भूल गए। दुकानों पर ग्राहक सटकर खड़े हो रहे थे, तो कई फुटकर व्यापारी मास्क पहनने से ही परहेज कर रहे थे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान नागेश चंद्रेश्वर मंदिर के पट नाग पंचमी के लिए 1 साल बाद शुक्रवार मध्यरात्रि खोल दिए गए। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरिजी महाराज के सानिध्य में शुक्रवार नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते 300 साल में पहली बार भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। नाग पंचमी पर शनिवार रात 12 बजे पूजन करके फिर से 1 साल के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 25 जुलाई का प्रादेशिक आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 25 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 26 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।